हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो गए और अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे बनाए रखें। और शुरू करता हूँ आज का अपना व्लॉग, देखते रहिए। तो आलू उबल चुके हैं, तो क्या बना रहे हैं आज? आलू उबाल गए कि आलू का रायता? दही जमा रखी है, मट्ठा है? दही जमा रखी है। तो दही का रायता बनाएंगे आज आलू वाला। पूजा कहाँ है? पूजा की तबीयत खराब हो रही है। तो आज पूजा की तबीयत खराब हो रही है और दादी बुआ जो है घेर से आ चुकी है। रात घेर में सो रही थी। ये रही दादी बुआ। दादी बुआ 2 दिन में आए, आज कल भी आए थे? कल भी आई थी। मतलब भाई अब बुआ दिन में आई थी, मैं दिन भर ड्यूटी जा रहा हूँ, आज मिली बुआ मुझे। दोपहर को आ गई थी, कल शाम को गई थी। अच्छा जी। तो 2-3 दिन से वहीं सो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 2 चाची जी नहीं है। बस अब जाएंगे ही रहूंगी। अच्छा, इधर रहोगे भैया? ठीक है जी। और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। रात बारिश हुई थी, परसों दिन में बारिश रही और कल दिन में बारिश रही। दादी वो प्याज छोंक काट रही है, प्याज टमाटर और उधर रायता में छोंक लग रहा है। दही तो बहुत कड़ी हो रही है, तो पानी गिरा था तो पानी गिरा था थोड़ा सा। तो दही है, चटनी है, पीसी चटनी पीस रखी है सोनिया दीदी ने, और आलू जो है पीस दिए हैं, और ये धनिया है। धनिया है, पुदीना, पुदीना सूखा हुआ पुदीना है। तो पुदीना दीदी ने देखे वो कोट दिया है, हाथों से ही बारीक कर दिया है। और ये पानी, ठंडा पानी। तो हम मिला रहे हैं इसमें पानी और दही। इतना ठीक है। और ये ठीक हो गई, ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा कैडी। तो ऐसी दही अच्छी लगती है, दही कराता। और कुछ आलू बचाने हैं इसमें से, क्योंकि पापा जी की सब्जी बनेगी। उनकी दही खटाई बंद है इस टाइम, उनकी एलर्जी हो गई थी। ये ठीक है, आराम है बहुत ज़्यादा। बस ये बच जाएंगे सब्जी के लिए। और अंकित भी ड्यूटी पे जा रहा है, उसकी भी सब्जी बननी है और दही का रायता भी जाएगा उसका। अब आ चुका है चटनी का नंबर। नमक मिर्च चटनी, चटनी का स्वाद तो बहुत अच्छा होता है इसमें। और अब नंबर आ चुका है नमक का। बस जो क्या, धनिया सूखा, धनिया पाउडर, बस नमक स्वाद अनुसार डाला हमने इसमें। और बुआ भी देखे, बुआ भी छोंक का सामान काट रही है, टमाटर और प्याज। तो सब्जी भी छोंकनी है। और ये मिक्स हो चुका है सारा मसाला, छोंक भी लगा इसमें। कहेगा जीरे का, जीरा है वो नहीं है। इसमें जीरा भून कर डाल लूंगी। कैसे कैसे छोक लो चाहे रायता, कैसे बना लो। रायता ढक दिया है, अब छोंकने लग रहा है। पहले सब्जी छोकेंगे, उसके बाद रायता छोकेगा। हरी मिर्च भी काटनी है, डालनी है हरी मिर्च भी। लाल मिर्च तो डालनी है, थोड़ी डालते हैं लाल मिर्च, अब हरी ज़्यादा डालते हैं। और हरी मिर्च का उपयोग ज़्यादा होता है, लाल का कम होता है। और अंकित का जाने का टाइम हो चुका है, तो सब्जी तो उसने मना कर दी है, तो उसके लिए रायता ही जाएगा। रायता ही बोल रहा है कि रायता ही धर देना मेरे लिए। तो रायता छोंकने की तैयारी है भैया, रायता छोंकते हैं पहले। जीरा भुने हैं,
छोंक लग चुका है। तो रायता तो हमारा छुक चुका है और अब जान है अब छुकनी है सब्जी। तो सब्जी में छुक लगाना है, उससे पहले अंकित के लिए खाना खा लेगी, उन्होंने तो खाना लगाएगी उसके टिफिन में। और उसके बाद ये चार टिफिन का इसका टिफिन है, दो में रायता और दो में रोटी, सुबह शाम दोपहर की रोटी मिल जाएगी इसको। और अब मिलाता हूँ पूजा से, देखते हैं क्या बात है कभी तक की। और अंदर आराम कर रही है। तो पूजा क्या बात रही, बुखार चढ़ रहा, चड्डा भी लग रहा? तो पूजा को चड्डे से बुखार चढ़ रहा है, इसके लिए दवाई लानी पड़ेगी। बुखार तो उसके लिए दवाई लानी है, तो सबसे पहले इसका बुखार चेक करना है, उसके बाद उसकी दवाई लाएंगे। चाचा से लिखवा लूँगा सुनील अनिल से। और दादी बार जो है कपड़ों की तैंक बना रही हैं, कपड़ों की तैंक बना दिया दादी बार ने, फोल्ड किए हैं कपड़ों को। तो 100 टेम्परेचर है पूजा का, तो 100 टेम्परेचर है मतलब कि एक पॉइंट कम बताता है, 101 बुखार है पूजा को, 101 बुखार है। ले दवाई ला रहा मैं, जड्डा चढ़ रहा, सिर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द है। चले भी दवाई ला रहा मैं, मेडिकल से दवाई लेकर आ चुका हूँ। और 10 बज चुके हैं, आज तो लेट हो चुका हूँ, आज तो लेट हो गया क्योंकि ड्यूटी में जाना है अभी। और पूजा को दवाई देनी है, पूजा को दवाई देनी है, बुखार सर्दी दोनों है इसको। तो कुछ खाने के बाद पूजा दवाई लेगी। सोना दीदी जो है उसके लिए चाय और एक रोटी ला रही है, और मैं इतना अपना नहा लेता हूँ, अपना रेडी हो जाता हूँ इतने में। तो घास हो चुका है गंगा को भी और गंगू को भी, अंकित घास करके चला जाएंगे ड्यूटी पर। कौन की सब्जी पूजा के लिए, एक रोटी था और चाय, चाय उसका दवाई दे दूँगा, उसकी दवाई देनी है फिर। अरे पूजा कर दी रोटी खा ले, पूजा रोटी खा कर वो दवाई ले। टीम बल्ब लगा रखा है, एक रोटी खा ले फिर दवाई ले ली। दूध वाली दवाई भी इसमें आधे घंटे बाद लेनी, दूध वाली दवाई ठीक है। और मैं रेडी हो चुका हूँ, और पूजा ने दवाई ले ली है, तो एक दवाई रह गई है इसकी बस, सिर्फ दूध की, दूध से दवाई लेनी है वो आधे घंटे बाद लेनी है। तो 10 मिनट तो सही हो चुकी है दवाई ले, तो 15-20 मिनट बाद फिर दवाई ले लेगी दूध वाली। तो सोना दीदी दूध वाली दवाई दे देगी, और मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी पर, नाश्ता पानी कर कर, नाश्ता का खाना ही खा कर जाना है मुझे। तो बैग रेडी है, चलते हैं। बैग भी बहुत ज़्यादा भरा रहता है डॉक्यूमेंट से, और जल्दी भगवान ने चाहा तो गाँव में ही नंबर आ जाएगा, अपने गाँव में ड्यूटी करनी है मुझे भैया। तो जल्द ही गांव में नंबर आने वाला है मेरा, गांव में ड्यूटी करनी है मुझे भगवान के आशीर्वाद से, और आपके आशीर्वाद से, और मम्मी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। ये लौकी जो है कैसे जाएंगे, और पापा जी खाना लग चुका है, और दादी बहुत खाना खा रही है, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा खाना बना है, रायता भी और सब्जी भी, रायता और आलू टमाटर रोटियाँ।
हेलो दोस्तों, राम राम जी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम जी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम जी।